हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं सरफेस टेक। सो गाइस, अभी रिसेंटली यूट्यूब ने अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के ऊपर काफी सारे नए अपडेट्स लाए हैं, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा अपडेट है मोनेटाइजेशन के ऊपर। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि ये अपडेट क्या है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसके ऊपर आपके चैनल को नुकसान होगा या फायदा होगा। तो इन सभी बातों को अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और वीडियो को शुरू करने से पहले कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये जो YouTube का मोनेटाइजेशन का जो अपडेट है वो सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबको ये लगेगा। अब YouTube ने क्या बताया है कि पहले क्या होता था कि जिन जिन के चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन होता था उनके ऊपर सिर्फ एडवर्टाइज चलती थी, लेकिन अब से YouTube क्या करेगा, YouTube के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं हर एक वीडियोस के ऊपर वो चलाने वाला है अपनी एडवर्टाइज। इसका मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मेरा चैनल तो अब तक मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है, फिर भी मेरे को पैसे मिलना चालू हो जाएंगे। नहीं, यूट्यूब ने वो क्लियर किया है कि जिनके चैनल के ऊपर माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होगा, मतलब 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे, उनको हम पैसे नहीं देने वाले, सिर्फ और सिर्फ हम एडवर्टाइज चलाएंगे और 100% मनी हम रखेंगे। अब इससे होने वाला है फायदा या नुकसान आपके चैनल के ऊपर, वो भी हम जान लेते हैं। देखो, अभी यूट्यूब आपके चैनल के ऊपर ये एड्स इनेबल कर रहा है, तो आपको एक तो जो कंफ्यूजन रह जाएगी कि भाई पहले एक मजा आता था कि भाई इतने सारे मेहनत करने के बाद फाइनली आज से मेरे एडवर्टाइज चालू हो जाएगी, वो अभी चला जाएगा क्योंकि एडवर्टाइज चालू होने वाली है। और अभी फिलहाल के लिए यूएसए के अंदर चालू हो चुका है, अभी कुछ ही दिनों के अंदर सभी वीडियोस के अंदर आना चालू हो जाएंगे। और इंडियन के जो यूट्यूबर्स हैं और दूसरी भी कंट्रीज वाले हैं, वो यूट्यूब ने ऐसा बताया है कि 2021 के मिड में ये इनेबल होना चालू हो जाएंगे, और तब तक हमारे इंडियन चैनल्स के ऊपर भी टेस्टिंग हमको दिख जाएगी। अब इससे फायदा और नुकसान कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 50-50 हो सकता है फायदा और नुकसान। सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की। देखो, YouTube अगर आपके नॉर्मल वीडियो के ऊपर, मतलब आपका माइलस्टोन कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आपके ऊपर एडवर्टाइज चला रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर आपके थोड़े व्यूज, फॉर एग्जांपल आपने कुछ वीडियो डाला तो उसके 25 व्यूज है, 50 व्यूज है या 100 है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो YouTube क्या समझेगा कि ये वीडियो चल रहा है, तो वो उसको ज्यादा प्रमोट करेगा, क्योंकि वो प्रमोट करेगा तो एडवर्टाइज ज्यादा चलेगी, एडवर्टाइज ज्यादा चलेगी तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो इसके चलते हुए हो सकता है कि आपके वीडियोस थोड़े अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो ये एक तरीके से फायदा भी हो सकता है इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली यूट्यूब हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को प्रमोट भी कर सकता है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि काफी टाइम, जैसे कि हमारा मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि इस वीडियो के अंदर मैं इधर एड लगाऊं या तो मैं ना लगाऊं, लेकिन हमारे माइलस्टोन अचीव करने के बिना वाले हर एक वीडियो के ऊपर यूट्यूब खुद से एडवर्टाइज लगाएगा, हमको परमिशन नहीं देगा कि लगानी है नहीं लगानी। तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जिसपे एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है फिर भी YouTube एडवर्टाइज लगाएगा, तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जो ऑडियंस है उनको डिस्टर्बेंस आ सकती है, कभी यहाँ पर एडवर्टाइज की जरूरत नहीं थी फिर भी एडवर्टाइज आई। तो 50-50 हो सकता है कि आपके चैनल को फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, शायद आपके चैनल और अच्छी तरह से प्रमोट हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो YouTube को भी पसंद आएगा, तो जो मोनेटाइजेशन की जो लंबी लाइन लगी रहती है वो आप उसमें से आगे निकल के जल्दी आ सकते हैं। और ये हुआ क्यों, ये अभी हम जान लेते हैं। देखो, अभी जो भी हम YouTube के ऊपर वीडियोस डालते हैं वो YouTube के सर्वर के ऊपर सेव होता है, तो सर्वर को मेंटेन करने का भी खर्चा काफी सारा होता है। तो हो सकता है YouTube ने ऐसा सोचा है, और आपने ये भी नोट किया होगा आज की डेट में भी काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है, फिर भी YouTube के सर्वर के ऊपर डेटा जा रहा है, तो उसको YouTube के ऊपर भी नुकसान हो ही रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसके लिए YouTube ने ऐसा सोचा है तो क्यों ना हम एडवर्टाइज करके खुद ही पैसे कमा ले। तो बस यही पूरी की पूरी बात है कि आप शिद्दत से अपने आराम से काम कीजिए, और मेरा यही मानना है कि ज्यादातर आपके चैनल को प्रमोट करेगा क्योंकि उसको अभी एडवर्टाइज उसने डालनी है, वो अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा, बेस्ट वीडियो रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो डेफिनेटली ज्यादा एडवर्टाइज उसके ऊपर रन होगी, और जैसे ज्यादा एडवर्टाइज रन होगी तो YouTube भी आपके वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करेगा। तो बस सिर्फ अच्छी तरह से काम कीजिए और साथ में आगे बढ़िए। सो गाइस, ये था पूरा का पूरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।